गया है। एक मिनट, अबे जल्दी बता। निकल गए, निकल गए। हैं? क्या कर रहा देख के? क्या कर रहा है? पागल हो गया? गाड़ी लग जाती तो फिर? क्या मतलब गाड़ी लग जाती? मुझे गाड़ी के नीचे आ जाते। अबे हम मर जाते तो मर जाते ना। हम मरते क्या? हर बात में तेरा उंगल करना जरूरी है। चुप करके बैठ जाओ। बदबू कहाँ से आ रही है? जलने की बू आ रही है। गाड़ी गर्म हो रही है। गाड़ी साइड पे रोक लेते हैं यार। चुप हो, इतनी दूर से चलाते हुए आ रहे हैं, गाड़ी साइड पे रोक ले। पागल हो गया क्या? कहा था ना रोक ले। चुप कर, वहां खड़ा हो। वहां खड़ा हो, 5 फुट दूर जाके। अब तेरे मुंह से एक आवाज ना निकले। और दूर खड़ा हो, पीछे हट। लेने वाले से जान देने वाला ज्यादा बड़ा होता है। यह बात शायद उसको किसी ने नहीं बताई जिसकी गोली मेरे बाप की जान खुले बाजार में ले गई। कितनी नाजुक सी चीज होती है ना ये जान, जिसे बचाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बिल्लू कहता है मेहनत से कुछ नहीं मिलना, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट जरूरी है। बिल्लू का शॉर्टकट जलेबी की तरह बिल्कुल सीधा। किधर है तेरा यार? यार कैसा यार? ऐसा लगा नहीं।
ऐसा आदमी जिससे जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। हमने इसके लिए बैंक में डाका मारा 5 करोड़ का। सिक्योरिटी से भागते भागते गाड़ी में लग गई आग, गाड़ी के साथ माल भी राख हो गया, और अब दारा की हमसे फुल सुलग गई है। मतलब गुड बाय दुनिया। लेकिन लाइफ में इतना कुत्ता ट्विस्ट आया कैसे? इसके लिए थोड़ा रिवाइंड जाना पड़ेगा। मैं और बिल्लू यतीम खाने में मिले। जब मुझे लोग लल्लू लल्लू पुकारते तो बिल्लू ही बचाता था। एक दिन भाग गए वहां से। जिंदगी बनाने जिनका आगे पीछे कोई ना हो उनका या तो अल्लाह होता है या शैतान। चोरियां कर करके भूख मिटाते थे। बड़े हुए तो भूख भी बढ़ गई और चोरियां भी। छोटे मोटे कामों से तंग आकर बिल्लू पहुंच गया दारा के पास। अब दारा इस शहर के सबसे बड़े डॉन के लिए काम करता है, जिसे सारे किंग कहते हैं, लेकिन किसी ने आज तक देखा नहीं। वो किंग कौन है ये सिर्फ 2 लोग जानते हैं, और उनमें से एक दारा। अच्छी खासी चल रही थी हमारी कि अचानक आ गया बिल्लू का शॉर्टकट। मॉर्निंग। 5 करोड़। टाइम और जगह बता दूंगा। जी 10 सेकंड्स रह गए, क्लियर द फ्लोर। ओके जी, लाइट्स, 5, 4, 3, 2, क्यू। जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है, मैं उन लोगों को बताता चलूं कि आज हमारे साथ मौजूद हैं ईमान अकबर चौधरी, जो कि हमें अपनी एनजीओ हीलिंग हैंड्स के बारे में बता रही हैं। हीलिंग हैंड्स एक ऐसा इदारा है जो कि ना सिर्फ यतीम बच्चों को एक घर दे रहा है, बल्कि साथ ही साथ स्ट्रीट क्राइम को खत्म करने के लिए भी एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। ईमान, मुझे यह बताइए, बहुत से लोग ये काम करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन जितनी सक्सेसफुल आप रही हैं उसकी क्या वजह है? मेरे बाबा, उनकी हेल्प के बगैर शायद ये सब पॉसिबल ना होता। वो बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन मेरे लिए ही जस्ट मेक्स थिंग्स हैपन। और अब तो और भी बिजी होंगे, इलेक्शन जो सर पे आ खड़े हैं। अच्छा ईमान, ये बताओ, इतने सारे काम के दरमियान अपने लिए वक्त कैसे निकालती हो? आई मीन, पीपल योर एज आर ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, फॉलिंग इन लव, फाइंडिंग द मीनिंग टू लाइफ, ऑल दैट। वेल, द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ माय लाइफ इज टू हेल्प दीज किड्स। यही मेरी फैमिली है, बाकी सब जब होना होगा हो जाएगा। ग्रेट, जब हम वापस आएंगे तो एक ऐसे बच्चे से बात करेंगे जिसने स्ट्रीट क्राइम छोड़कर एक स्कूल में दाखिला लिया। With the help of Iman's NGO, Healing Hands. Stay with us. Hey. Hi. क्या कर रहे हो? कैसे हो? ठीक हूँ, काम कर रहा था। तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? उफ, छोड़ो उसे। एनजीओ को पुश करने के लिए एक और बाबा का ड्रामा। मिल कब रही है? मिलती हूँ, लेकिन अभी तो बाबा की आंखें मेरा पीछा कर रही हैं। ओहो, बहुत तंग हो ना अपनी सिक्योरिटी से? ये मेरी सिक्योरिटी नहीं, मेरे बाबा की इनसिक्योरिटी। ये सब तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए तो है, करने दो उनको पीछा। Why don't you come over? You know I can't let them see us together. एक तूफान खड़ा हो जाएगा। What I don't get, इतनी सिक्योरिटी की जरूरत ही क्या है? ताकि मुझसे दूर रख सके। मुझे तुमसे दूर रखने के लिए ये सिक्योरिटी नहीं, बाबा को पूरी फौज बुलानी पड़ेगी।
अच्छा सुनो, मुझे आधे घंटे में मॉल की बाहर वाली पार्किंग से पिक कर, तब तक मैं सिक्योरिटी बॉय से कुछ करती हूँ। प्लान अच्छा है। बाय। अली खान, जब ये 10 साल का था तो इसके बाप को किंग के आदमियों ने मार दिया। माँ ने गम से पागल होकर एक रात इससे वादा लिया कि ये बड़ा होकर अपने बाप की मौत का बदला लेगा। सुबह उठा तो माँ पंखे से लटकी थी। बाहर से पढ़ लिख कर भी अली अपनी माँ से किए हुए वादे को भूल ना सका और दिन रात एक करके अपने बाप के कातिल की खोज में लगा रहा और फिर उसने उसको ढूंढ निकाला। इसीलिए अपने छोटे भाई जिमी को लेकर मुल्क वापस आ गया। अपने बाप की मौत का बदला लेने थोड़ी देर के लिए घर मत आना। क्यों? ईमान घर पे आ रही है। अच्छा ओके। किंग की असलियत सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक दारा और एक अली। किस्मत की वाट लगी हुई है। बिल्ले मेरी बात मान, हमें यहां से भाग जाना चाहिए। साला किस्सा ही खत्म हो जाएगा। भागेगा तू? कहां जाएगा भागकर? साले वो तुझे तेरी माँ की कोख से भी निकाल कर अपने पैसे पूरे कर लेंगे। जानता नहीं है क्या दारा को? भाग चलते हैं, हमारे घर पहुंच गए वो। जानता हूं दारा को, तभी कह रहा हूं। एक दिन में 5 करोड़ कहां से लाएंगे? ओ फट्टू, तूने भागना, जा भाग जा। मैं भागने वालों में से नहीं हूं। एक एक पैसा उतार दूंगा उसका, उसके मुंह पे मार के आऊंगा मैं, चाहे किसी से उधारी क्यों ना लेना पड़े। वाह, अच्छा जी, मलिक राज साडा भोपा लगता ना। ओए, इतना उधार हमें किसने देना है? क्यों, जानने वाले हैं मेरे यहाँ पर, उनसे लूंगा। तुझे कोई मसला है? चुप करके चल। जानने वाले तेरे तुझे मेरे अलावा जानता कौन है? यूपीपी और उनके ट्रैवल पार्टी पाकिस्तान अलायंस आज दोबारा 3 रोजा मुजाकरात के लिए मिले। यूपीपी के तर्जुमान इमरान अंसारी का कहना है कि मुजाकरात में दोनों पार्टीज के बीच आइंदे इंतखाबात के लिए एक मुमकिन इत्तेहाद की भी उम्मीद की जा सकती है। और अब हम आपको लेकर जा रहे हैं हमारे नुमाइंदे एहसन खान के पास। जी हाँ मैडम, आई एम हियर विद यू लाइव एट चौधरी अकबर ऑफिस, जहाँ यूपीपी और पाकिस्तान अलायंस के 3 रोजा मुजाकरात इख्तिताम पे पहुंच चुके हैं। मेरे ख्याल से वो आ रहे हैं, चले। देखिए, हमारी पूरी कोशिश है कि नेगोशिएशंस कामयाब रहे और जो भी रिजल्ट आए उसमें पाकिस्तान की बेहतरी हो। ओए चल चल, कहां चलते आ रहे हो? तुम्हें पता है किसका गुनाह है? क्या इस कोलिशन से आपकी पार्टी के मंशूर में कोई तब्दीली आएगी? देखिए, यूपीपी और पाकिस्तान अलायंस हम ख्याल ग्रुप हैं, जो उनका विजन है वही हमारा है। सियासी तजीनगारों का ये कहना है कि आप इस कोएलिशन से सबसे ज्यादा फायदा आपको है और इसके बाद आपकी नजर प्राइम मिनिस्टरशिप पर है। देखिए, हमारा मकसद कुर्सी का हसूल नहीं है, हम एक बेहतर एक मजबूत पाकिस्तान चाहते हैं। लगता है सुबह को न्यूज चैनल नहीं देखा। कैसे बरखुरदार हैं आप मिस्टर मैनेजर? अपने वालिद की कोई खबर भी नहीं रखते? और फिर मैं अकेला ही तो वजीर आजम का कंटेंडर नहीं हूं, देयर आर मेनी अदर कंटेंडर्स। क्या मतलब? जी हां नाज़रीन, आपको बताते चले, अवाम दोस्त पार्टी के चेयरमैन सरदार सुहेल अजीम खान को उनकी रहायशगाह के बाहर कत्ल कर दिया गया है। कुछ नामालूम अफराद ने उनके कॉन्वॉय पर फायरिंग की है। आपको बता रहे हैं, सरदार सुहेल अजीम खान जो कि अपनी रहायशगाह से एक जलसे में शिरकत करने के लिए रवाना हो रहे थे। सर, सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ सर, एक्सक्यूज मी।
लेकिन क्या वो कंटेंडर्स रेस खत्म होने से पहले गिरते नहीं जा रहे? सरदार सोहेल की असैसिनेशन के बारे में क्या कहेंगे आप? सरदार सोहेल एक बहुत मंझे हुए सियासतदान हैं। उन्होंने अपने मुल्क, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। मेरे बाप को मार के तुम बचोगे? सब सामने आएगा, पूरे मीडिया पे आएगा। और ये सब एग्जैक्टली कैसे होगा? आप करोगे? कोई तो करेगा। हमारी पार्टी उनके असैसिनेशन की शदीद मुजम्मत करती है और सबसे ज्यादा फायदा भी उठाती है। मैं आपकी घटिया कंस्पिरेसी थ्योरीज का जवाब नहीं देना चाहता। लगता है कि सब तुमसे करते हैं? अपने बाप के शेर समझे हैं क्या? करेक्शन, सिर्फ शेर नहीं, पूरा मुल्क मेरे बाप का है। जी लगता है सरदार सोहेल साहब या उनकी कोई औलाद अगले इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। जी मैं आता हूं। अच्छा क्यों ना, या आग लगा दो। चलाक हो तुम, मुझे इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं था। मैंने कहा था ना तुमसे, I'm dangerous. तुम हमेशा मुझे underestimate करते हो। I don't get it. Why you even have to work? You're always so busy. And it's not like you even need the paisa. यार पैसे की बात नहीं है, मैं अपनी जिंदगी में कुछ substantial करना चाहती हूँ। ये कुत्ते reporters, हरामजादे, अपनी औकात भूलने में time नहीं लगाते ये लोग। कहते हैं तो समझा देते। No, I think you've done enough for today, Dara. कल को यही बच्चे गैंग्स में जाने के बजाय यूनिवर्सिटीज में जाएंगे। कम से कम ऐसे लोगों के हाथ तो नहीं आएंगे ना। ये क्या? आओ। Given this a lot of thought, haven't you? What about us? Have you ever mentioned me in front of your father? Abhi nahi, waqt aane pe karungi. The time isn't right. It's never the right time. Ye hamare aadmi nahi hai. Media ko tumhara baap samjhega. Unke paas apne liye time nahi hai, mere liye kahan se hoga? Hafte ke 7 din kaam, always busy, always surrounded. Aur ab is coalition ki wajah se to aur bhi zyada. 4 din reh gaye, 4 din coalition mein. एक गलती भी हुई ना तो हमारा भी वही हशर होगा जो सरदार सोहेल का हमने किया। He is never alone. Except जब वो अम्मी से मिलने जाते हैं। अम्मी? लेकिन तुम्हारी अम्मी तो कुछ नहीं, छोड़ो। Just another one of those things about my baba that even I can't figure out. Nothing that'll interest you. बताओ। Everything is at stake, Dara. Everything. This is the last thing I want. Do you understand? You asshole. जी। हर साल अम्मी की बरसी पे वो उनकी कब्र पे जाते हैं। Every year, on his way to work, like clockwork. What do you mean? No one goes with him? Well, I'm not supposed to talk about it, लेकिन वो अपने गार्ड्स तक को भी बाहर छोड़ के जाते हैं। So much for security. Why don't you go with him? Because
can't. उनकी बरसी पे भी नहीं. Which reminds me, कल उनकी बरसी है. उनके साथ इस दफा मैं चली ही जाऊं और फिर बात भी कर लूंगी उनसे. Yeah? No, no. तुम्हें उनको जाने देना चाहिए. काफी इमोशनल दिन होगा उनके लिए. और वैसे भी कुछ काम है मुझे. मैं थोड़ा बिजी हूं. बिजी विद व्हाट? नथिंग. Just some family business I gotta take care of. I'll be right back. Garbage truck? For you. I think we just got our window. Wo, दरअसल मैं. मैडम दरअसल बहुत गुस्से में है. हाँ, ये तो पता लग गया. अंडेले ने भेजा था, दही लेकर आ गया. कस्टमर्स आए बात करता. हाँ. रेट फिक्स्ड है, बहस नहीं करना. हाँ, इस शहर में जितनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं वो मैंने बनाई. जानते हो कैसे? ईंटों से, अपनी मेहनत से. तुम चाहते हो कि उसमें से कुछ हिस्सा मैं तुम्हें दे दूं, और वो भी उधार. पिछली दफा भी तुम दोनों सामान छोड़ के गए थे, वो खराब निकला, फिर पैसे लेने आ गए हो. माल हमने भी कहीं और से उठाया था. सब क्या है? माय बैड. लौंडों वाला दिखा दे. यहाँ ये सब करने नहीं आए हम. तू जो करने आए वो कर लो. सेठ साहब, आपको आपके पैसे वापस. अब कैसे करूँ अपनी स्विंग की प्रैक्टिस? लेके आओ कोई और. ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है. बराए मेहरबानी अपना फोन इधर ही रख दीजिए. भाई को बोल बिल्लू आया है. सारे यहाँ टोनी भाई को ही मिलने आते हैं, कोई रॉबी को मिलने नहीं आता. सैंड्रा, इनको टोनी भाई के पास ले जा. बिल्लू और बग्गा मुफ्त में टोनी का शो देख रहे थे. हाँ, बोलो कैसे आना हुआ? टोनी भाई, एक छोटा सा काम था आपसे. सॉरी, ये सब चलता रहता है यहां पे. इग्नोर इट. क्या कह रहे थे तुम? वो दरअसल. ओ माय गॉड, क्या शोर मचा रखा है ये? कौन है ये? बोलता नहीं साला. हाय, तू बड़ा बोल लेता है जो उसे कह रहा है. अच्छा ऐसे करो, इसके हाथ में ड्रिल मशीन से सुराख कर दो. What? दफा हो जाओ. वो
नीचे बिजली नहीं है। ओह माय गॉड, ये कमबख्त लोड शेडिंग। ऐसे करो कि हथौड़े और कील से कर दो, और हाँ पहले एक हाथ में करना, और अगर फिर भी ना बोले तो फिर दूसरे हाथ में भी कर देना। सिंपल इज दैट। बाय बाय, सी यू, गेट लॉस्ट। तबा, तंग आ गया उधार दे दे के। देखो ना, पैसे मांगने आ जाते हैं, वापस करने आते ही नहीं है। यू नो दैट्स बैड। तुम बोलो क्या कह रहे थे। जी तुम दोनों ईमानदार हो ये तो मैं जानता हूं, लेकिन थोड़े से सीधे भी हो। बिजनेस कब और कैसे होता है ये तुम्हें अभी सीखना है। टोनी भाई, अभी बस पैसे चाहिए, फिर आप जो बोलोगे जैसा बोलोगे हम करने को तैयार हैं। जान लोगे? पैसे कितने मिलेंगे? 5 लाख पर हेड। बिल्ले क्या कह रहे हैं यार, हम कोई कातिल थोड़ी, नहीं करना हमने ये सब। जितनी भारी रकम तुम्हें चाहिए ना, वो छोटे मोटे कामों से नहीं आती। मुफ्त में तो मौत भी नहीं मिलती प्यारे। अब मेरे भागने का आइडिया कैसा लग रहा है, वो जैकी चैन की मां ने तो मेरा फोन भी रख लिया। अच्छा खासा टाइम वेस्ट हो गया, इससे बेहतर था कि हम जाके जुआ खेल लेते, कोई चांस तो होता। आवाज बंद कर, एक झापड़ दूंगा। अबे वाह मेरे खोटे सिक्के, क्या आइडिया दिया तूने यार। आजा चल। कहाँ आ जाऊँ? बस आ जा, कुछ तो बता दिया कर मेरे बाप। तो फिर कल मिलते हैं। I love you. Bye. Drop the bitch off. Just get hold of a truck. Good. I'm headed to the safe house. Call me when it's done. के वालिद आपसे मिलना चाहते हैं। मैं उनसे घर जाके मिल लूंगी। नहीं, आपको अभी चलना होगा हमारे साथ। आप रास्ता तो नहीं भूल गए? हम एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं गार्बेज डिस्पोजल पर, आपसे एक ट्रक रेंट आउट करना था। भाई ये रेंट कार नहीं है, और इस सिलसिले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, ये तो सुपरवाइजर साहब ही बताएंगे। वैसे आप अकेले होते हैं यहाँ पर, अगली शिफ्ट कब है? बस कल इतवार को छुट्टी है, आप मंडे को आइएगा, सुपरवाइजर साहब आ जाएंगे और खुद ही बात कर लेना। हाँ अगर आपको नंबर की Hey, give me some good news. Garbage truck का बंदोबस्त हो गया। Well, we didn't create a bit of a mess. Come on. It was like stealing candy from a baby. Now tell me, where are you? Safe house pe. Phone pe scrambler laga raha hu. Why don't you come over? We go over the plan. Okay.
I'm on my way. All right. शहर की जो सूरत हाल है उससे हम सब बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि लॉलेसनेस की सतह बढ़ गई है. शहर जलता रहा, मुल्क तबाह होता रहा और हम इख्तदार वाले बैठे तमाशा देखते रहे. शेख साहब, आई कम्प्लीटली अग्री विद यू. इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मिलकर जल्द अज जल्द फैसला कर लें. जी फैसला हो गया है. चार दिन बाद मैं मुल्क वापस पहुँच रहा हूँ. प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस माहदे को अमली जमा पहना. साउंड्स गुड. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. आप फिक्र ना करें, हम सब साफ कर देंगे. कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर प्राइम मिनिस्टर. चीयर्स. साल हर साल से इस लम्हे का इंतजार है मुझे दारा. 20 साल, 20 साल लग गए मुझे रास्ता बनाते बनाते. और इस रास्ते के बनाने में कितने ही साथियों को खो दिया मैंने. लेकिन अब जब मंजिल करीब आ गई है तो दारा मुझे कोई रुकावट नहीं चाहिए. रुकावट? कैसी रुकावट? क्या सब कुछ आपकी चाहत के मुताबिक नहीं हो रहा? शेख साहब, शेख साहब की जरूरत हमें सिर्फ इलेक्शन तक है. सर, ईमान मैडम आइए. बुलाओ दारा. तुम समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? It will be taken care of. Baba, ये क्या? Baba, ये आदमी तो. अगर आप गलती से ऑफिस आ ही गई है तो इंटरफेरेंस करने की कोई जरूरत नहीं है. यहाँ जो भी आता है अपना काम करता है. और किसी से एक्सप्लेनेशन लेने से पहले आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करनी है. What kind of explanation? आपके वो बफून्स मुझे उठाकर यहाँ लाए हैं. मैं कोई बच्ची तो नहीं. हर कहते तो बच्चों वाले करती हो. सिक्योरिटी गार्ड्स को, सिक्योरिटी गार्ड्स को धोखा देती हो तुम. इस वक्त, इस क्रिटिकल मोमेंट पे, जिस वक्त मैं अपने आप को हर तरह से गिरा हुआ महसूस कर रहा हूं, तुम तंग कर रही हो मुझे. ईमान मुझे बताओ, मैं अपने काम पे ध्यान दूं या तुम पर? आज तक तो आपका काम मेरे से पहले ही आता रहा है बाबा. अचानक ये फिक्र कैसी? कौन है वो? कौन? वही लड़का जिसके लिए तुम मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स को धोखा देती हो. कोई लड़का ही होगा ना? खैर, जो कोई भी है उसको कहो कि वो मंडे को आके मुझसे मिले और अपनी पोजीशन मेरे सामने एक्सप्लेन करे. और इसके बाद अगर तुमने कभी सिक्योरिटी गार्ड्स को धोखा दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. आई कांट टेक द स्ट्रेस एनीमोर. डू यू अंडरस्टैंड? आई एम सॉरी बाबा, फिर नहीं होगा. मंडे 7 o'clock. थैंक्स बाबा. तो क्या प्लान है भाई? जरा चीदा गली चलना है जल्दी. चीदा गली? ओ वहां क्या? ओ तू पागल हो गया? ओए, एक रात हमारे पास बची है और तुझे पीनी आई हुई है. गोली खाने की तैयारी कर. चाचा फटपटी, आगे देख के चला प्लीज. बिल्लू, मुझे बताना यार, क्या प्लान है? खान. खान? क्या हुआ खान को? खान जिस जुआ खाने में. तू जुआ खेलने जा रहा है? अबे ओ, ओए मैंने मजाक किया था तुझसे यार, तू मेरी बात को सीरियस ले गया. ओए चाचा फटपटी, आगे देख के नहीं चलाना ना. आगे देख के चला, आगे देख के चला. चुप, अब तेरे मुंह से एक लफ्ज ना निकले. खामोशी से मेरी बात सुन. खान जिस जुए खाने में काम करता है वह इतवार की रात को शहर के 90% जुए खानों का पैसा आता है और सुबह होते ही पैसा बैंक में. उन पैसों की रखवाली के लिए सिर्फ खान अंदर होता है अकेला. तो प्लान यह है कि हम कल रात खान को लूटेंगे. अबे तो ये बोल लो मेरे दोस्त.
आमखा तूने मेरे दिमाग की जलेबी बना दी। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, चाचा फटफटी गाना लाए तू। लेकिन तुझे इस बात का कैसे पता? और अगर तुझे पता है तो और किस किस को पता है? देख बिल्लू, खान कोई दूध पीता बच्चा तो है नहीं, 7 फुट के जिन का बच्चा है। और तेरी और मेरी तरह के 100 बंदे भी चले गए ना तो हमारी निस्वार बनाकर वो आराम से खा जाएगा। पहली बात तो ये कि ये बात मुझे खान ने खुद शराब के नशे में टुन होकर बताई थी। और मजे की बात, उस वक्त वहां मेरे अलावा और कोई था भी नहीं। और दूसरी बात, तुझे ये किसने कहा कि हम आ जाएंगे? साहब स्टाफ आ गए। बिल्लू बता ना यार, बिल्लू तेरी मुंह पानी। ला 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 ला। छी 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 छी, एक लड़की अपने कमरे में कपड़े भी नहीं बदल सकती। बिल्लू और बग्गा, वो भी हमारे क्लब में।
लगता है छीदा गली के हालात खराब होने वाले हैं। आइए बैठिए। जरा मेरी डोरी तो बांधना। थैंक यू। कुछ काम लेकर आए हैं तेरे पास। अच्छा, तुम्हें किसने कहा मेरे पास काम की कमी है? ये जो काम तेरे पास लेकर आया ना, इसको करने के बाद तुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। इंटरेस्टिंग। काम तो बताओ। खान का जुआ खाना लूटना है। तू, मैं और ये बस हम तीन। तो किसी हुंडे मवाली के पास जाओ ना। हम लुटे हुए क्या किसी को लूट सकते हैं? मेरी बात सुन, तूने सिर्फ खान को संभालना है, बाकी हम संभाल लेंगे। बाकी रह ही क्या जाएगा? पैसे तेरे डैडी चुराएंगे। नहीं, वो उस वक्त तेरी माँ के पास होंगे। तू मेरी बात को नहीं समझ रही है। देख, खान तेरा आशिक है, हम सब जानते हैं कि वो टून है तुझ पे। तेरे लिए ये सब बच्चों का खेल है, इसीलिए तेरे पास आए। पागल के बच्चों का खेल है ये, और तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। साला ठरकी, मैं क्यों उसके मुंह लगने वाली हूं? 5 करोड़ के लिए। खान के मुताबिक तकरीबन 10 करोड़ आएंगे वहां। 5 करोड़ का उधार उतारना है मुझे। दो एक। डेढ़। अबे ओ श्रीदेवी की बच्ची, दिमाग सटिया गया क्या तेरा? डेढ़ मेरे, 3.5 तुम दोनों के। जैसे मर्जी आए आपस में बांट लेना। मंजूर है तो ठीक है, वरना चलते बनो यहाँ से। बिल्ले, कोई जरूरत नहीं है इससे बात करने की। खामखा इसको पूरी स्टोरी बता दी। मैं तो तुझे कह रहा हूँ कि इसको एक घूंसा मार के इसकी मेमोरी रिसेट कर देते हैं। तू मेरी जुबान निकाली। बैठ कुत्ता। आप भी बैठ जाइए। डेढ़ ठीक है। डन। अब कुछ काम की बात कर ले हम। ठीक है, प्लान बताओ। वो सुबह 8 बजे पहुंचेगा। हम वहां पहले से उसका इंतजार कर रहे होंगे। सारे गार्ड्स बाहर ही होते हैं, अंदर उसके अलावा कोई नहीं जाता। इसका मतलब है कि वो वहां बिल्कुल अकेला होगा। हमारे पास सिर्फ 1/2 घंटे का विंडो है, क्योंकि उसके बाद वहां रोशनी हो जाएगी। हम दोनों बाहर तुम्हारे सिग्नल का वेट कर रहे हैं। मैं ट्रक लेकर सिग्नल पर वेट करूंगा। और फिर वी टेक आउट द ट्रैश।
गए साले। I'm ready. अली बुड्ढा मर तो नहीं गया होगा? हेलो, क्या बकवास कर रहे हो? फक ही स्टिल ब्रीदिंग। फिर अब सेफ हाउस चले? गुरु पीसीओ में के कॉल। पीसीओ? पर सेफ हाउस में जो स्क्रैम्बलर लगा उसका क्या? दिस इज टू पुट देम ऑफ। दे आर डेफिनेटली गोना ट्रैक द कॉल। गेट हिम इन द ट्रंक। जानते हो मैं कौन हूं? तो फिर तुम ये भी जानते होगे कि मैं यहाँ फजूल में नहीं आया हूँगा। जो बात मैं तुमसे अभी करने जा रहा हूँ उसको गौर से सुनो। आज सुबह 8 बजे चौधरी अकबर को सेंट्रल कब्रिस्तान के बाहर से उठा लिया गया है। पुलिस को मैं संभाल लूंगा, लेकिन ये खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। आई वॉन्ट यू टू कीप द मीडिया आउट ऑफ दिस। कोलिशन अनाउंस होने तक कोई मसला नहीं होना चाहिए, समझे? लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता है? और चौधरी साहब से तुम्हारा आने पर सब समझ आ जाएगा। अभी जितना बोला गया है उस पर अमल करो। आज का क्या सीन है क्राइम मास्टर? गो गो। गाड़ी और असलहा। अबे गाड़ियां तो बड़ी है, पप्पू की फॉक्सी ले आता हूँ, एकदम जंगो गाड़ी। हाँ, पढ़ दूंगा तेरे मुंह पर, इतनी अकल नहीं है तुझे। पप्पू की गाड़ी लाएगा, अगले चौक पे रुक जाए ना, खान से कहियो धक्का लगा दे वो। तो फिर अब अपने कार चोर दिनों को याद कर और जाके एक टाइट सी गाड़ी लेकर आ। मैं कहीं अकेला नहीं जा रहा। और तू क्या शहजादा बना हुआ है? असला तेरा बाप लेकर आएगा। नहीं, तू ही लेकर आएगा, जा। नहीं जा लेकर। सॉरी, नहीं जा लेकर आना। समझ गया।
ईमान का कमरा किधर है? चलो मेरे साथ। What the hell is this? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? मेरे बाबा को पता चलेगा ना तो। Calm down, ईमान। सुनो तुमसे एक बात करनी। तुम खड़े देख क्या रहे हो? What the hell is going on? Security कहाँ है? Shh. Please, ईमान। ईमान, your father, चौधरी साहब को किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? और ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? He is here to help. He is a friend of your father's. तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारी उनसे आखिरी दफा बात कब हुई? कल रात को। लेकिन कैसे? आज सुबह कब्रिस्तान से। हम इस मामले को हर एंगल से देख रहे हैं। As far as I know, कोई खानदानी दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर आप इसके बारे में कुछ बता सकें तो। उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। And don't act like तुम मेरे बाबा को जानते हो। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हें हमारे साथ आना होगा। यहाँ पे सिक्योरिटी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मान इसमें तुम्हारी ही बेहतरी है। जब तक सूरत हाल का अंदाजा नहीं हो जाता, प्लीज बी सेंसिबल। गुड, अगर मामला सेटल हो चुका है तो कुछ आगे बढ़े। हमें पता चलाना होगा कि इस मूवमेंट के बारे में किस किस को पता है, खास तौर पे इस कब्रिस्तान की विजिट के लिए। और कब्रिस्तान के मैनेजर को उठा लाओ और पूछताछ करो। जल्दी करना यार, जोर का बाथरूम जाना है। सीरियसली, यू गॉट बी किडिंग मी। यार टिकी से निकल के कहां जाएगा? हेलो अली, कहां हो? कुछ काम कर रहा था। I'm kind of busy. ओए मामा, और देख के नहीं चल सकता तू? तो हर किसी को चलनी पड़ी है। अच्छा वो मैंने बाबा से बात की है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, when did you talk to him? अभी अभी, बल्कि वो मेरे सामने ही बैठे हैं। कि आज शाम को चाय पे आ जाओ। स्मार्ट गर्ल, जितनी तुम बेवकूफ लगती हो उतनी हो नहीं। Wait till I show you and the rest of the world who he really is. It's time to wake up, Iman. मैंने सोच लिया, हमारा आखिरी काम है ये। इस काम से निकले तो डायरेक्ट थाईलैंड, उधर फिर फुकेट जाकर बीच में होटल खोलेंगे। सुना से शाम तक मुझे म्यूजिक चाहिए। डिस्को 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 वाला। क्या मसला है इस रेडियो के साथ?
रेडियो नहीं, सीडी लगी हुई। आवाज हल्की कर सी। अबे हट सा। पता नहीं क्या पकता रहता है। क्या बकवास है, नहीं हो रहा। नहीं हो रहा मतलब? इस बात के और कितने मतलब हो सकते हैं? नहीं हो रहा। अब आप जो ये तोहफा लेकर आए, इसमें रेडियो की आवाज कम करने वाली टूटी, अब उसको चाहे मैं जितना घुमा लूं, आवाज कम नहीं होती। मतलब तेरे जैसी बिल्कुल फारिग है तो नहीं हो रहा मतलब? नहीं हो रहा। हो तो गया, देख हो गया। मुझे कुछ बात करनी है। दारा साहब, कब्रिस्तान का मैनेजर आ गया। क्या समझता है? अभी तुम्हारी 9 उंगलियां बाकी हैं। मैं कुछ नहीं जानता। फिर वही बकवास। हाँ, छुपा के रखता है उनको। बोलो बस। अपने मेहमानों के साथ कोई ऐसा सलूक थोड़ी करता है। बोलता नहीं है साला। दादा साहब, मैं कुछ नहीं जानता। अगर मैं जानता होता तो क्यों ना बताता। सेमीफाइनल देखा था? मैं कुछ नहीं जानता। पाकिस्तान और इंडिया का सेमीफाइनल देखा था? बोलो, जवाब दो। जी, देखा था। लोग कहते हैं कि मैच सट्टे ने हरवा दिया। नहीं, मैं समझता हूँ कि मैच सट्टे ने नहीं, टीम ने हरवाया था। क्योंकि जब शॉट मारने की बारी आई तो वो साले टक टक कर रहे थे। बहुत समझाया खुद को कि कोई बात नहीं, अभी अगला वर्ल्ड कप आना है, इस बार खूब प्रैक्टिस करेंगे। दूर नहीं क्या होगा साला, बच के कहां जाएगा? सब डूब गया है, सारी प्लानिंग, सारी मेहनत, सब कुछ, कुछ नहीं डूबा। एक कार चोर की मां। What the fuck are you talking about? Iman's on to us. She knows everything.
It's done. We're done. जहां तक मुझे पता है वो बुड्ढा अभी तक बेहोश ही होगा और जिसने भी गाड़ी चुराई है वो उसको कहीं छोड़ आया होगा कुछ दिनों के लिए एटलीस्ट जब तक पुलिस ठंडी नहीं हो जाती. What you need to do right now is make the call and get the ransom. फिर बुड्ढा मिले ना मिले हम कट लेंगे यहां से. Please make the call and get the ransom. हेलो. तुम्हारा किंग मेरे पास है. किंग? कौन सा किंग? कौन बोल रहे हो? मैं तेरा बाप बोल रहा हूँ. You know exactly which king I'm talking about. अब ज़्यादा बोला ना तो. Goodbye. Bloody prick. फिर मिलाएं. पता करवाओ कि नंबर कहाँ पे है इस वक्त. कौन है भाई? क्यों तंग कर रहे हो? हाँ ये किंग और क्वीन की गेम में किसी और वक्त खेलेंगे. चौधरी अकबर अल्फा इंडस्ट्री का मालिक यूपीपी का चेयरपर्सन एंड द किंग टू योर फ्रिकिंग ऑफिस इज अंडर माय कस्टडी. कॉल काटी तो बुड्ढे का सर काट के डब्बे में भेज दूंगा. ओए, तुम जानते हो कि इस वक्त किससे बात कर रहे हो? किंग की बात कर रहे हो. 100 साल भी लगे रहो तो किंग तक नहीं पहुंचोगे. लेकिन अकबर साहब हमारे पुराने साथी, इसलिए मैंने तुम्हारी बकवास सुनी है अभी तक. वैसे चाहिए सबूत क्या है कि चौधरी साहब तुम्हारे पास हैं? बात करवाओ मेरी. बात भी करवा दूंगा, पहले आई वांट टू सी माय मनी. योर मनी? कल सुबह 9 बजे अकबर साहब की पुरानी फैक्ट्री पहुंच जाओ. आई विल बी वेटिंग विद योर मनी. भाई मुझ जगह मैं बाहर आ जाओ, इंतजार कर रहा हूं. बिल्ली तो इतना सुकून में कैसे है? मुझे यकीन नहीं आ रहा तूने उसको मार दिया. तूने एक बंदे की जान ले ली और अब तू इतने इत्मीनान से बैठा है. और क्या करता, संभालता फिरता उसे अपने साथ. मुझे इस वक्त सिर्फ हमारी जानों की फिक्र है, समझा? तो फेंक आते हम उसे, मारना जरूरी था क्या? एक तो तू और तेरा गुस्सा हमेशा हमें एक नई मुसीबत में डाल देते हैं. साले, अगर तेरा मेरा सालों का साथ ना होता ना तो दिखाता तुझे अपना गुस्सा में. चुप करके बैठ. एक तू टेंशन कम है जो इस बुड्ढे बाबा को गोद ले लेता मैं. अब इसके सामने अगर तूने एक लफ्ज भी बोला तो पीछे डिग्गी में अंकल टॉम के साथ लिटा दूंगा. क्या हुआ हीरो, कोई मर गया क्या? कौन था ये? किसका फोन था? तुमने कॉल का पता लगाया? ट्रेस किया था लेकिन सिग्नल स्क्रैम्बल. सुबह आएगा जरूर, उसका बाप भी आएगा. मुझे कुछ बात करनी है. देखे मैंने सिक्योरिटी को कहा था कि आपको ऊपर गेस्ट रूम में ले जाएं. You must rest. It's been an emotional day for you. मुझे पता है बाबा को किसने किडनैप किया है. अली, अली जमाल, मेरा एक दोस्त. तुम्हें क्यों लगता है कि उसने ये सब कुछ किया है? क्योंकि कल ही मैंने उससे कहा था कि बाबा कब्रिस्तान में अकेले होंगे. ईमान! और अभी उसकी कॉल भी आई थी. आई नो इट. उसने मुझे खुद बताया. मोबाइल नंबर दो उसका. नंबर ट्रैक करवाओ. उसका नंबर बंद जा रहा है. गॉड डैमन, ये सब कुछ तुम अभी बता रही हो? जानती हो एक एक मिनट कितना कीमती होता है? I'm sorry, मैं डर गई थी. मैं हेल्प करना चाहती हूँ. तुम बताओ मैं क्या कर सकती हूँ.
क्या कर सकती हूं? Haven't you done enough already? ईमान से पता लगाओ ये अली किधर है और फौरन आदमी भेजो उसके घर पे, एक एक इंच उखाड़ डालो उसके घर का, समझता है कि बच के निकल जाएगा। तुम और तुम्हारे लोग कर क्या रहे थे उस वक्त? एक वक्त की सिक्योरिटी नहीं संभाली जाती तुम लोगों से? पांच गार्ड थे उनके साथ, आर्मर्ड गाड़ी में थे वो। पांच गार्ड्स? He is the next bloody prime minister of the country. पूरा कॉन्वॉय क्यों नहीं था सर? मुझे नहीं पता था कोई ऐसा थ्रेट भी है। मुझे पता होता कि I am working for a criminal mastermind who's affiliated with people like you. You are working for a criminal mastermind, and that makes you an accomplice. अब अगर ये किश्ती डूबी तो तुम भी साथ ही डूबोगे, समझे? And people like me are the only ones that can help you. तो अपने अल्फाज जरा समझदारी से चुनिए इमरान साहब। अब इंतजार, तुम दोनों यहीं बैठो, मैं बाहर का सीन चेक करके आता हूं। हड्डा हुआ है क्या? तेरे से मतलब? जा दफाओ, ऐवे हमदर्दी में पूछ लिया था मैंने तो। गुस्से का बड़ा तेज है, पता नहीं जो भी मुंह में आता है बोल देता है वो। कभी कभार तो मेरा दिल करता है कि उसे बस एक, लेकिन खैर भाइयों से बढ़कर प्यार भी तो करता है वो मुझे। गलती मेरी है, शायद मैं ही लल्लू। लल्लू? ये किसने कहा है तुझे? सब, बिल्ले के अलावा सब। एक बात मैं कहूं तुझसे, कभी तू किसी को तुझे ये ना कहने दे कि तू क्या है और क्या कर सकता है, बल्कि तू सबको बता दे कि तू कौन है और तू कर क्या सकता है। बजा डाल सालों की। वाह बनो, तू कितनी फिलॉसफी है यार। फिलॉसफी नहीं, फिलॉसफर। ओए इंग्लिश विंग्लिश भी पूरी है तेरी तो। सेकंड ईयर करके भागी थी मैं घर से, डॉक्टर नहीं बनी तो क्या हुआ, बायोलॉजी पूरी है मेरी। बन्नू, तूने सोचा है अपने पैसों का तू क्या करेगी? मैं? नई जिंदगी की शुरुआत। वैसे मुझे इस जिंदगी से कोई मसला नहीं है, लेकिन किसी को शायद होगा। ओ, 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 ओए यानी दूल्हा भाई टाइप सीन है। तू उसके लिए डांस छोड़ देगी? मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। माँ ने कहा पारू छोड़ दो, पारू ने कहा दारू छोड़ दो, अबे चल तूने देवदास कितनी बार देखी है। साले तुझे तो कुछ बताना नहीं चाहिए था। बैठो, तुम दोनों फिर शुरू हो गए हो, कोई सुन लेगा। अब क्या करना है? अब तू तारे गिन। मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूं? अपने सारे बंदों को लगा दो उस पर, डू व्हाट यू मस्ट। और अगर अली ना मिला तो?
तो वह सुबह पैसे लेने जरूर आएगा। जरूर कोई दूसरी पार्टी इन्वॉल्व्ड है। ये कोलिशन कितना जरूरी है, वी मस्ट प्ले अलोंग। पैसों का अरेंजमेंट करना होगा। लेकिन इस वक्त इतना पैसा आएगा कहां से? है एक जगह, लाल कॉलोनी चलो, खाना भी वहीं होगा। क्या करे, उठो, आ गया है वो। ये क्या कर रहा है तू? चोरी से पहले ग्लव्स पहनना जरूरी है, फिंगरप्रिंट्स। ये आते ग्लव्स पहन कर जाएगा, फिंगरप्रिंट्स कैसे छुपे? उतार इसे, एक दू तेरे मुंह के ऊपर। बन्नू तुझे पता हाँ, है ना? हाँ, मुझे पता है मैंने क्या करना है, मैं संभाल लूँ। सुन, वो मेरा दोस्त है। तो? तू जरा संभल के। बन्नू, तू इस टाइम यहाँ क्या कर रही है? एक क्लाइंट से मिलने आई थी, साले ने सूखा ही वापस भेज दिया। ओ, अब मर गए हैं क्या? चल आ जा। बेटी से मोहब्बत कर ले, शेख साहब की नसीहत से बगावत कर ले, अचंगूर की बेटी से मोहब्बत कर ले, शेख साहब की नसीहत से बगावत कर ले, उसकी बेटी ने उड़ा रखी है सर पर दुनिया, ये तो अच्छा हुआ अंगूर को बेटा ना हुआ। जीने का सहारा कर ले, कम से कम सूरत साकी का नजारा कर ले, अपने खान में जीने का सहारा कर ले, शाम पीते ही जवानी का मजा आएगा, कुछ तो अंगूर के पानी का मजा आएगा। Time!
मेरे जूते लेकर आना। अबे वो भूतनी के तुझे काहे के सेफ ढूंढ, वहां क्यों खड़ा है? तेरी मां क्या है बे? ओए! ओ भैंस! ओ बग्गे ये! ओ बग्गे यही है, यही है। चाबी, बैग। सिक्योरिटी फुटेज निकालो। दो इधर। बनो ख्याल रखना अपना। हरामजादों मरो कहीं जाके तुम लोग। बच्चों का खेल है ये, तुम्हारे बच्चों की मां की आंख। बिल्लू और बग्गा, ये दोनों दुनिया के सबसे बेवकूफ चोर हैं। दारा बोलो तो इन्हें। नहीं 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 नहीं, इनको कॉल करो कि सुबह 8 बजे पैसे लेकर फैक्ट्री पहुंच जाएं, एक दफा ही सारा गंद साफ करें। Rough night. Ali? तुम यहाँ? What happened? कुछ नहीं।
फड्डा हुआ है। मुझे तो लगता है मेरी किस्मत ही ऑफ हो गई है। Same here. अली, मैं सोची थी मैं ये काम छोड़ दूं। तुम्हें भी नहीं पसंद है। बस ये मेरी आखिरी रात है। Again, मेरी भी। कैसी बातें कर रहे हो? क्या हुआ है? मुझे बताओ। You know why I come to this place, to this bar? Because no one asks me any questions. And I want to keep it that way. हाँ, लेकिन शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। कोई पैसों का मसला है? You think I need your money? Will you go to job for me in your whorehouse too? मुझे लगता है तुमने बहुत पी ली है। घर जाने का टाइम आ गया है शायद। Yeah, I think so too. ठहरो, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ आती हूँ। Why are you crying? तुमसे मतलब? If anyone should be crying, should be me. Guess I'm having a bad day. Someone stole my car. Can you believe it? कैसे? Don't ask. It's my father's car. It's the last piece I had of him. A 1973 Ford Mustang. You know, he loved it so much, he painted it himself bright yellow. उसके बॉनेट पे दो ब्लैक स्ट्राइप्स थे। Have you seen it somewhere? अली, अगर मैं तुमसे कहूँ मुझे पता है तुम्हारी गाड़ी इस वक्त कहाँ है, फिर? बिल्ले, इतने पैसे, ये तो हमारी सोच से भी ज्यादा है। मैं इनमें नहा सकता हूं? क्या कर रहा है यार? चल हट जा, आराम की कमाई पली इतना कर। इधर दे, इन्हें दे, इनको रख दे और अब सो जा। तू सुबह उठना है। दारा के आदमी ने फैक्ट्री बुलाया पैसों के साथ। एक बात याद रख, खतरा भी टला नहीं है। चल सो जा। ये दरवाजा मेरा बाप बंद करेगा क्या? पैसे! Hmm.
तुम मेरे बगैर क्या करोगे? तुम्हें किसने कहा तुम्हारे बगैर मैं कुछ करना भी चाहता हूँ? अब स्टार्ट करनी नहीं आती मुझे। I keep a spare key over here. अभी आया। अली जल्दी करो। सब ठीक है ना? चलो। I'm outside. Bring the files. हम कहाँ हैं और कौन सी files? Why did you help me? साला सारा time late करवा दिया यार। एक तरह से अच्छा ही हुआ। अब वो अंकल टॉमस नए कार चोर का मसला है। वाह। अब बहुत बोल रहा है तू अंकल टॉम के बारे में। पहले तो ऐसे मचल रहा था जैसे तेरे फूफा लगे हैं वो। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। समझी नहीं? I could be anyone. I could be a killer. This might not even be my car. The question is, what's in it for you? Where the fuck are you helping me? Because I love you. What? दस साल से मैं उस बार में काम कर रही हूँ। दस साल से। कितने लोग आए हैं वहां रात के अंधेरे में छुपके? सब ने झूठ बोला। असली दुनिया में कुछ और मेरी दुनिया में कुछ। ओए फिकर मत कर, दोनों अंदर साथ जाएंगे और बाहर भी साथ ही वापस आएंगे। बाप बिल्लू रखे थे फिर। ओए देख के ओए। लेकिन तुम उनके जैसे नहीं थे। You were always real. Who is she? She's leaving. Get the shit in the car. Ali, आओ। Ali, क्या कर रहे हो? Ali, छोड़ो मुझे। Ali, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। You catch a cab and you go home. You don't know anything about me. Thank you.
आइए आइए आइए। तुम इतनी आसानी से मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। Do you know how dangerous this is? तो होगा dangerous, मैं फिर भी तुम्हारे साथ हूँ। हम दो लफंगों के लिए इतने आदमी बुला लिया आपने। Cute girl. Just get in the car. Bro, listen. If I'm not back in 15 minutes, I want you to leave. ये क्या बकवास है यार? मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। मैं भी आऊँगा। This is not a discussion. अब business की बात कर लेते हैं। ये रहा आपके पैसे। वैसे इतने कम टाइम में इतना पैसा जमा कर लिया कैसे? पैसा गिन लो आप, पूरा है। Bro, listen to me carefully. If I'm not back in 15 minutes, you have to take those files and drop them off to the news channels, and then go straight to the airport. अगर मामला सेट हो गए तो हम चले? जी बिल्कुल। हम दोनों क्लियर? एकदम क्लियर। अच्छा, लेकिन एक छोटी सी बात है। आई नीड यू टू डू मी अ फेवर। इफ आई एम नॉट बैक, आई नीड यू टू टेक केयर ऑफ माय ब्रदर। अली, कुछ बंदे मेरे नाराज हैं आपसे। आपने उनके दोस्त खान का खून जो कर दिया, मेरे ही पैसे लूट कर मुझे ही वापस कर रहे हो। ले जाओ उनको पीछे। ज्यादा शोर मत मचाना, कुछ और मेहमान भी आ रहे हैं। मिस्टर अली जमाल, सरेआम चलते आ रहे रैंसम लेने? नॉट इवन अ ब्लडी मास। आई डोंट नीड टू हाइड फ्रॉम एनीवन। नहीं 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 नहीं, इनको करने की जरूरत नहीं है। ये इतना बेवकूफ नहीं है कि यहां कुछ ऐसा ट्राई करे। बट Tell me one thing. Q. What was the motive? In time, you'll find out. Right now, I'm in a bit of a rush because if I'm not out of here in 10 minutes, then all the records on you, your gang, and the king will be sent to all the news channels. If I were you, I would hurry the fuck up. कोई आखिरी ख्वाहिश? टॉयलेट जाना है। मजाक करने का वक्त नहीं है ये। मरते हुए आदमी की आखिरी ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकता। ले जा यार, ऐसा कौन सा कुछ कर लेना है। पर कर तू क्या? आराम से गिन लो, जल्दी क्या है, कोई इंतजार कर रहा है क्या? Who fired the guns? Who fired the guns outside? जल्दी चलो। किसी ने गोली नहीं चलाई है हमारे बंदों में। I swear to God, I will slit the throat of the king. तुम्हारे बंदों को कुछ नहीं हुआ? गन्स नीचे करो अली। आ!
पागल हो गया क्या? What a mess. Where is the king? Hey, hey! Look at me! Huh? Look at me! पैसे उठाओ और किंग का पता बताओ. मैं वादा करता हूं कोई नहीं आएगा तुम्हारे पीछे. ओके? यू नो हाउ इट्स. गेम अभी खत्म थोड़ी हुई है. फॉर मी इट इज. ये तो क्या लाशों का चुमक जान लगा है. वो दो दिन पांच करो बोल ना साले. ओके वो आपके वालिद इस मुल्क के मशहूर सियासतदानों में से एक थे और अब जैसे जैसे न्यूज आती जा रही है अबाउट द ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन पब्लिक ओपिनियन काफी बदल गया है आपके वालिद और आपके लिए भी. एनी रिमोर्स एनी हेट्रेड? नफरत करने से पहले माफ करना सीखना चाहिए. तो क्या आपने माफ कर दिया अपने वालिद को और उनके कातिलों को? हाँ, क्योंकि शायद अब मेरे दिल में नफरत की कोई जगह नहीं है. थैंक यू ईमान फॉर बीइंग हियर टुडे. नाजरीन, अगर आप हमारी आज की स्पेशल एपिसोड के बारे में कोई भी फीडबैक देना चाहते हो तो लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट और टू आवर फेसबुक पेज. थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन. इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज़. चिकार, चक्कर में तेरे लिए क्या लेके आया हूँ? मुझे नीचे होटल लॉबी में एक बंदा मिला है जो कह रहा है थाईलैंड में चार किनाल के लिए कोई इश्यू ही नहीं है, वो भी पुकेट बीच फ्रंट पे. बिल्ले, तू कहीं जा रहा है? हाँ, एक जरूरी मीटिंग है. मीटिंग? किस किस्म की मीटिंग? अबे नीचे वो थाईलैंड वाला एजेंट खड़ा हुआ है. वो क्या, तू बार बार थाईलैंड थाईलैंड लगाए रखता है? अब जब तक वीजा नहीं मिल जाता चुप करके बैठ. अपने कमरे में जा, दिमाग मत खाया कर मेरा. ये पैसे तूने बेड पे क्यों रखे हुए हैं? तेरे से मतलब? कुछ लोग आ रहे हैं, उनसे मीटिंग है, इन्वेस्टमेंट की बात करनी है. कुछ लोग? कैसी इन्वेस्टमेंट? मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तेरे साथ सर खपाऊं मैं.
और तेरी कुछ समझ में भी नहीं आएगा, चल जा यहाँ से। तू समझा, तू मेरे भी तो पैसे उस पे लगा रहे है ना, तो मुझे पता होना चाहिए। देख बस बिल्ले, कोई गलत काम ना हो यार, प्लीज। बिल्ले आखिर कब तक यार? तूने देख मुझसे ये वादा किया था कि हम ये आखिरी बार कर रहे हैं, फिर हमें अपने हाथ गंदे करने की क्या जरूरत है? थाईलैंड का जब सब पक्का हो गया तो इतना आसान नहीं होता है। क्या करेगा थाईलैंड जाके तू? बहुत बड़ा होटल खोल लेगा साले, एक दिन के अंदर, एक दिन में तुझे बेच के खा जाएंगे वो लोग, और हमारे कल का कुछ पता नहीं है। तेरे पीछे किसी एक जगह पैसे नहीं लगाऊंगा मैं। मेरे पीछे? और मैं जो पूरी जिंदगी तेरे पीछे चलता आ रहा हूं, सारे फैसले तूने खुद से कर लिए, आज भी सारे फैसले तू खुद से कर लेगा। तो और क्या करूं, तुझसे पूछूं कि बादशाह सलामत मुझे क्या करना चाहिए? साले मेरे पीछे पीछे चलता रहा है, इसीलिए आज यहां तक पहुंचा है। अब मैं तुझसे पूछूंगा कि पैसे कैसे कमाते हैं? पैसा पैसा पैसा, तुझे कितना पैसा चाहिए? और इस पैसे के पीछे तूने कितने और लोगों को मारना है? कब तक हम लोगों को मारते रहेंगे और यूं भागते रहेंगे? कब तक चलेगा? मैं चाहूंगा और आगे भी वही होगा जो मैं चाहूंगा, समझा? तू कितना बदल गया है बिल्ले। हाँ, लेकिन तू बिल्कुल नहीं बदला, तू आज भी वैसे का वैसे ही है साला लल्लू। ओए बग्गे, ये क्या कर रहा है तू? पागल हो गया क्या? बस बिल्ले, अब बस, अब मुझे जाने दे। जाने दूं तुझे? मेरा पैसा लेकर भाग रहे और कह रहा है जाने दूं तुझे? तेरा पैसा बेड पे पड़ा है, मैं अपना हिस्सा लेके जा रहा हूं। तेरा हिस्सा? साले, सारे पापड़ मैंने बेले, सारे खून मेरे सर पे हैं, वो तेरा कौन सा हिस्सा हुआ? दिमाग तो नहीं चल गया तेरा? हाँ दिमाग चल गया मेरा, और अगर तूने एक भी कदम उठाया ना तो गोली भी चला दूंगा मैं। खाने में छोड़ देना चाहिए था, वही सड़ सड़ के मर जाता साले। मुझे गोली मारेगा, मार 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 मार, गोली तेरी मार। अबे जा साले, गोली मारेगा भौंकने में और काटने में बहुत फर्क होता है, समझा? मारू गोली तुझे, इधर मारू, इधर मार दो, इधर या इधर मारू, दिखा दे मुझे, अपने आप को मार लू, बोल बोल का मारू, बोल बोल मुझे, मैं किधर मारू गोली? एक बार किस्सा खत्म कर देता हूँ, यही चाहता है तू? बोल बोल का मारू, बोल बोल दे। तेरे सारे एहसान का बदला मैंने चुका दिया। बग्गे, 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 बग्गे,
बग्गे मेरी बाजू बग्गे 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 आगे गोल बग्गे 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 ये क्या हो गया बग्गे बग्गे मेरी बाजू बग्गे बग्गे हो क्या यार बग्गे बग्गे मेरी बाजू बग्गे बग्गे और इसी तरह चल के राख हो गई हमारी लाइफ स्टोरी, हमारी लालच, हमारी नफरत, मेरे सारे ख्वाब और बिल्ले के सारे शॉर्टकट। जिंदगी से एक ही चीज सीखी कि इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। कुछ ज्यादा मिल भी जाए तो साली किस्मत कुत्ते की तरह पीछे काटने को आती है। शायद यही लिखा था। शायद यही दी एंड है। मेरे बाबा, उनकी हेल्प के बगैर शायद ये सब पॉसिबल ना हो। जिस वक्त मैं अपने आप को हर चांस से गिरा हुआ महसूस कर रहा हूँ, तुम तंग कर रही हो मुझे। आज तक तो आपका काम मेरे से पहले ही आता रहा है बाबा, अचानक ये फिक्र कैसे? Well, I'm not supposed to talk about it, लेकिन वो अपने गार्ड्स तक कभी बाहर छोड़ के जाते हैं। मुझे पता है बाबा को किसने किडनैप किया है। प्यार तेरा मेरा बढ़ रहा है खौफ का अंधेरा इस शहर में जान की बाजी। शायद इस जलेबी में अभी कुछ और ट्विस्ट बाकी है।